Spirit has ever built. 12 HT 6-cylinder inline diesel turbocharged engine. बहुत मजे का मोटर होता है. Unfortunately, it packed up. अच्छा इसके पर एक मजे की एक बात बताऊँ. उन्होंने अपनी ownership में कोई भी oversight की होगी, but this is just कि एक peculiar, जैसा मैंने आप सब लोगों को भी बहुत बार इस बात पर brief किया है कि ये यकीन रख लें cleared by the manufacturer. लेकिन हमारे पास locally, specially जो हमारे run of the mill गाड़ी है उनको decimal 125 तक लेके जाया जाता है, which is criminal करना चाहिए. क्योंकि every day of delay is lost to us. क्योंकि हमारी आपसे we are working with you on a contracted labor. अब हर ad बिल्कुल सीधा सीधा आ जाओ, आते रहो. नहीं, अपने अपने एक्चुअल फॉर्म पोजीशन पे जानी. ये वहां से सीट गिरा हुआ है, वो सीट गिरा हुआ है वहां से, मतलब सीट का स्ट्रक्चर गिरा हुआ है. वो शानी का सर्फ आया हुआ था, बेसिक से रिपेयर जॉब था. ब्रेक मास्टर सिलेंडर जो है वो खराब हुआ हुआ था, वो चेंज किया है. ये एक ट्रिप करके आया था बॉय अभी. आई थिंक दे वेंट टू खरारी दे एंड देयर ग्रुप. उसके बाद ब्रेक मास्टर सिलेंडर और ब्रेक बूस्टर, दोनों चीज़ों के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो गई थी बुरी तरह. पेडल भी फ्लैट लाइन कर रहा था, चलते चलते थोड़ा सा गर्म होता था, फ्लैट लाइन करना शुरू होता था. बस वो चेंज करके रवाना किया है, भी आगे लेके चलता हूँ. इसके क्रॉस मेंबर हो गया है नीचे से. हाँ सर, और बुशेस भी आ गए उसके, तो बेहतरीन है. भेजो नवीद को वीडियो भेजो. और ये तो स्पेयर पार्ट की स्टैंडर्ड मसले हैं, मुसलसल के हैं. थोड़े से ओवरसाइट से गेम पूरी चेंज हो जाती है कहानी उसकी. एनीवे खैबर जो है बहुत तेजी से आ रही है तैयारी पे. कार्बोरेटर हमने नया मंगवाया था मेहरान वाला, लेकिन वो एक उसकी एक मीटिंग बीच में मेट प्लेट आती है वो नहीं मिल रही, और फिर जितनी ऑल्ट्रेशन उसके साथ करनी पड़ रही हैं, आई'd rather not do it. अनवॉरंटेड ऑल्ट्रेशन हो रही हैं सारी. उससे बेहतर है कि हम जो है वो इसका अपना कार्बोरेटर रीबिल्ड करवाएं और उसको चलवाएं, वो बहुत बेहतर काम करेगा. अभी यही, अभी फिलहाल तो उसका अपना कार्बोरेटर लगा के फिट करके ताकि गाड़ी को स्टार्ट करें, स्टार्ट करके देखें क्या पोजिशन है, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे. इंजन ओवरऑल हुआ है वो भी, उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी, कोई लीक चीक अल्लाह ना करे कोई बात, तो वो भी पता लग जाएगी. बाकी आगे से खैबे पूरी कंप्लीट हो गया. सो या दैट्स अबाउट इट. क्या पोजीशन है नूर पे वालों? अच्छा, नूर भाई वालों ने ना इसके ऊपर अभी तक हेडलैम्प
हो गया ना, हेडलैम्प हो गए, इंडिकेटर्स हो गए और वाइपर के भी कनेक्शन हो गए, ब्रेक लाइट के हो गए, हैंड ब्रेक वगैरह वो सही है, और शिफ्टर तो क्योंकि इसके मीटर पे आएगा नहीं हमारे पास वो है, इसका भी मीटर पीछे से ऑल्टर करवाना पड़ा है, वो इसीलिए ऑल्टर हुआ है कि इसकी मोटर चेंज हो रही है ताकि ये कॉरेस्पॉन्ड कर सके इंजन के साथ, मैकेनिकल मोटर्स लगती हैं वो ही लगी हैं पीछे से, तीन गेज इसके ऊपर, फ्यूल टेम्परेचर नहीं, इसके ऊपर फ्यूल पे भी नहीं लगे, तो फ्यूल भी इसका चल जाएगा, कॉरेस्पॉन्ड करेगा क्योंकि मैकेनिकल मोटर है अंदर, और बट टेम्परेचर गेज आरपीएम गेज ये दोनों चेंज हुए, स्पीडोमीटर ट्रेस आउट हुआ है, ये चीज़ें बस मीट करनी है, डैशबोर्ड इन जनरल अपने आप में डैशबोर्ड फिटिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस ये मीटर स्टीयरिंग असेंबली ये वाला साइड निपटाना है और एसी के कनेक्शन। तो ये अब अभी ये गाड़ी भी हम आज चाहते हैं डिलीवर कर लें इंशाल्लाह ताला, ताकि ईद से पहले वी डोंट वांट टू पार्क देयर। एक तो ये बिल्ली साहिबा हमारे पास फंस गई हैं, इन्होंने ज़िंदगी अदाब कर दिया, हर चीज़ पे निशान मार रही हैं, बट एनीवे तो अदरवाइज हमारे पास इस गाड़ी पर और ज़्यादा काम कोई ज़्यादा है नहीं, डैशबोर्ड ही है, डैशबोर्ड करना है, डैशबोर्ड के साथ साथ टेक्निकली हमारे काम के हिस्से में नहीं आती, लेकिन अब जब हम लोगों ने देखा वो वायरिंग का इतना बुरा हाल हुआ था अंदर इंडाश वायरिंग का, कि हमने कहा अच्छा चलो कुछ करते हैं इसको किसी तरह हल करके कि कुछ तो बेहतर हो जाए, एटलीस्ट सेफ हो जाए, इतना हो जाए, ये है कि डैशबोर्ड कंप्लीट होता है तो फिर शॉट दिखाते हैं, बाकी देखते हैं, स्टे ट्यून। लाइक नहीं किया वीडियो को तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक, दिस हेल्प वाइडली कि हमारी वीडियो जो है वो यूट्यूब और दूसरे एल्गोरिथम दूसरे चैनल्स के भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उन चैनल्स पे भी आपका एक लाइक जो है वो उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम्स में हमें टॉप लिस्ट करने में बहुत असिस्ट करता है। ले अभी एक और गाड़ी के ऊपर लेके चलता हूँ हमारा, अब हम उसको सेफ टू से है कि हम उसको भी रेस्क्यू प्रोजेक्ट का नाम दे सकते होंगे, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट डूइंग एंटायर मॉडिफिकेशन ऑन दैट व्हीकल ऑल ओवर अगेन, और अभी लेके चलता हूँ आपको बताता हूँ कि एक छोटी सी एरर क्या है, एक छोटा सा लापरवाही की वजह से कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन, सेलेक्ट ऑल वीडियोज टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो इंस्टेंटली, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग पैड कस्टमर। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट ऑन FJ70 फ्रंट एंड से आपको आई डोंट रिमेंबर, फ्रंट एंड हमारा ऑफिशियली ये 100% कम्प्लीट हो गया है, ये थोड़ी सी तबाही मची हुई है असल में, बॉयज जो है वो ईद क्लोजिंग की भी तैयारियाँ कर रहे हैं इस वास्ते, बट हमारा ये अब फ्रंट एंड पूरा ऑफिशियली कॉइल्स के ऊपर आ चुका है, स्विंगिंग ऑन द कॉइल्स माशाल्लाह से। अच्छा, एक और चीज़ हमने एक और काम किया है, वो काम हमने क्या किया है इसका अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस वीडियोज में, यहाँ पे वुडन स्पेसर था, हमने क्रॉस मेंबर ऑल्टर किया, ये एक को हमने डाउन कर दिया, बॉडी वेट आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी ये जो अलाइनमेंट है ट्रांसफर केस से डिफरेंशियल की, ये वाली यहाँ से डिफरेंशियल की ये सही आ जाएगी, जगह पे होगी इंशाल्लाह ताला। अब अभी हमारा रियर एंड पे हमारा रियर बंपर ब्रैकेट वगैरह चेंज होना बचा है, वो हमें चेंज करना है, ये सेंटर पाइप, ये वाली चीज़ें चेंज करनी है, एंड देन हम मूव ऑन कर जाएंगे इसके मैकेनिकल और रिपेयर्स की तरफ इंशाल्लाह ताला। मैकेनिकल रिपेयर में स्टैंडर्ड, अच्छा एक अहम बात देखो, हमने मैकेनिकल में आगे शॉक ये पूरा सेट हमने यूज, जिसको आप टिपिकली काबली कहते हैं, काबली का ये पूरा सस्पेंशन का सेटअप मंगवाया अगला, लेकिन हम इसमें चलने वाले लोअर आर्म के बुशेस, हम इसके कॉइल ओवर्स, हम इसके टायर रॉड एंड्स, स्टीयरिंग डैम्पर, हम ये सब चीज़ें इसकी जो है वो ब्रांड न्यू से रिप्लेस करेंगे, फिर इंजन कॉम्पोनेंट्स अलग हैं, फिल्टर्स और ग्लो प्लग वगैरह को देखा जाएगा कैसी कंडीशन पर है। क्यों करेंगे हम, पागल नहीं हैं हम, इसलिए करेंगे क्योंकि हम अपने क्लाइंट को एक पीस ऑफ माइंड बिल्ड प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, वो कैसे होगा उसमें कोई जादू नहीं है, देयर इज नो एब्राकडाब्रा, सामान स्पेयर पार्ट इज दैट आंसर। अब ये शॉक अब्जॉर्बर जितना भी अच्छा हो, इसके अंदर इसके स्लीव के अंदर एक स्लीव कट काम करती है, स्लीव के अंदर एक सील कट है जस्ट सिमिलर टू योर इंजन पिस्टन एंड रिंग। अब ये जितना भी फ्रेश हो, ये है इफ नथिंग लेस, तो ये कम से कम वी आर लुकिंग एट
प्रॉब्ली 20-25 साल पुराना स्पेयर पार्ट, तो ये जितना भी फ्रेश हो ये अपनी हर तरह की लाइफ एक्सीड कर चुका है, तो ये अच्छा नहीं चल सकता। ये चेंज होगा, ये चेंज करेंगे गाड़ी की क्रिस्प, गाड़ी के उस फील में ही डिफरेंस आ जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स की, इकॉन प्रोजेक्ट्स की, इकॉन जबान पे चढ़ा हुआ है गाड़ियों को इकॉन कर करके, इकोनॉमिकल एनीवे ट्रू इट। तो जो इकॉन प्रोजेक्ट्स हैं उस पे इफ द क्लाइंट इज ऑन बोर्ड, इफ द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स कि यार मैं इसको बाद में कर लूंगा, दैट्स डूएबल, क्योंकि ये आपके आपके बिल्ड को कुछ नहीं कह रहे आप ये, बट गुड बॉडी वर्क, गुड बेस यानी गुड फ्रेम एंड अ गुड मोटर इज एसेंशियल, ये वो चीज़ें एसेंशियल हैं, एंड गुड इलेक्ट्रिक्स, कि ये बॉडी फ्रेम मोटर इलेक्ट्रिक्स चार चीज़ें हो गई। ये अगर आपकी चार चीज़ें जब आप ग्राउंड अप कोई भी गाड़ी बिल्ड करें, चाहे दैट्स अ 4x4, चाहे दैट्स अ सेडान, अ 30-year-old कार, अ विंटेज, व्हाटएवर, चाहे परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अगर ये चार चीज़ें आपने एक गो में मियारी बना ली, everything else around it is a piece of cake, that's no problem. Suspension aap baad mein bhi kar sakte hain change, that's your budget, your choice, your option completely, iska koi hard and fast rule nahi hai. Anyway, so that's about it. FJ70 ka front end leaf tha pehle, convert ho ke coil over shift ho gaya, main ab jo iski maintenance hai wo post cheat karenge inshallah taala. ye bhi kaam sara iska post cheat ke upar jayega, rear end change hona, frame ko ek baar strap down kar lenge taki achhi tarah samajh mein aa jaye koi aur अगर उसके ऊपर हिडन सीक्रेट हैं तो वो भी सामने आए। हाँ, दैट्स अबाउट इट। रियर एंड पे भी शैकल्स परफॉर्मेंस वाले डालेंगे, सिमिलर टू दोज जो हमने फर्रुख के एफजे पे डाले हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि कैसे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन एरर जिंदगी के लिए अजाब बन सकता है। स्टे ट्यून्ड ऑन अ BJ70 जो रईस का रेस्क्यू प्रोजेक्ट है, इट्स नाउ टर्निंग इनटू अ फुल प्रोजेक्ट जॉब। बॉडी अभी हम करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी स्टिल अनश्योर, क्योंकि रईस हैजंट डिस्कस, हमने भी डिस्कस नहीं किया वैसे। बॉडी अलाइनमेंट तो हैं, बॉडी अलाइनमेंट में मतलब मेनली पैनल्स वैनल्स अलाइन करने हैं, चीज़ें करनी है, डोर अलाइनमेंट्स इस तरह के, और कैबिन अपहोल्स्ट्री करनी है, बट अभी इसकी बॉडी में भी बड़े सारे हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि मैं बाद में फिर रईस से डिस्कस करूँगा। बट फॉर नाउ अभी हमने इसका 1HZ का अपना एक्चुअल ओरिजिनल ट्रांसमिशन मंगवाया जो कि ट्रांसफर केस पे स्विचेस के साथ होता है वो वाला, लेकिन यार तुफ है जिसने ये बीच में मॉडिफिकेशन की है ना। अब मैं ये कल से गियर फिट करने को बैठा हूँ, यू गाइस वांट टू नो वेयर माई स्टक, फ्लाई व्हील बेयरिंग जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, गॉड नोज, मतलब मेरे पास कोई डिसेंट अल्फाज नहीं है कहने को, कि अल्लाह ताला जानता है कि ये क्यों किया उस शख्स ने जिसने भी किया ये। अच्छा, इसका फ्लाई व्हील बेयरिंग है 1HZ का, इस मोटर का, वो फ्लाई व्हील के अंदर नहीं, वो आगे क्रैंक के ऊपर बैठता है डायरेक्टली। अब फॉर सम ऑड रीजन उसके पास एडिक्वेट बेयरिंग साइज नहीं था जब ये कर रहा था, क्यों क्रैंक के एंड के ऊपर स्टील की एक बुश लाइनिंग करके उसके ऊपर एक या तो बेयरिंग मिसफिट था या कोई और फ्लॉ था, जो कि शायद अभी हम अनकवर करेंगे अभी, क्योंकि ये जब हम चेंज करेंगे तो फिर पता लगेगा। अब वो जो फ्लाई व्हील बेयरिंग है इज बैडली सीज्ड ऑन दैट बुश, कोई हल नहीं है निकालने का। अभी हमने एक पुलर मंगवाया है, अभी उससे निकालेंगे। दिखाऊं? आओ दिखाता हूँ। ये देखो सामने जो ये जो सामने क्रैंकशाफ्ट है, और ये अगर ज़ैफा दिखा सके प्रॉपरली, स्टील की जो बुश लाइनिंग हुई हुई है। अब हमने बेयरिंग तो पूरा डैमेज कर दिया इन होप्स कि हम इसको कोई पुलर को हम जो है वो फैब्रिकेट कर लें और करके हम किसी तरह निकाल लें, लेकिन नथिंग इज वर्किंग। तो फिर अब हमने अपने लेथ इंजीनियर को बुलाया जो लेथ इंजीनियरिंग करते हैं हमारे लिए इंजन के ऊपर बेस मेनली, उनको बुलाए हैं। तो वो अब जा गए हैं अपनी, अभी अपनी टूल किट लेकर आएंगे, फिर वो लगेंगे, फिर ये निकलेगा। नाउ दिस स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन रिप्लेसमेंट विद क्लच प्रेशर प्लेट रिप्लेसमेंट जॉब हैज टर्न्ड इनटू अ 2-डे जॉब फॉर नो रीजन एट ऑल।
ये है इंजन हमने किया है, इंजन को भी अभी हम टेस्ट नहीं कर सके हैं क्योंकि द ट्रांसमिशन इज नॉट ऑन येट। ट्रांसमिशन हो जाए, इंजन टेस्टिंग होए, हम इलेक्ट्रिक्स भी साथ साथ करते जा रहे हैं। मीटर का आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर हाल दिखाया था, तबाह हाल निकला है मीटर, पता नहीं किस। मैं ना एथिकली और मॉरली कभी भी किसी के प्रीवियस काम के ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ, बट ये जो एक्सटेंट है ना काम की, दिस इज, मैं इवन क्लाइंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं ये गाड़ी किस, उसने क्या किया हमारे साथ, क्या नहीं, आप बताएं। आई ऑलवेज टेल देम कि आई विल टेल यू व्हाट्स रॉन्ग विद द व्हीकल एंड हाउ आई कैन फिक्स इट, डोंट आस्क मी व्हाट द अदर पर्सन हैज डन, क्योंकि ट्रस्ट मी विद माय प्रोसेस एंड आई विल डिलीवर एंड आई विल बी आंसरेबल टू इट। मैं उसके ऊपर जवाब दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा आई स्टैंड बाय इट अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल माय बिल्ड, लेकिन डोंट आस्क मी कि किसी और ने क्या किया। लेकिन ये जो ये इसके ऊपर, इस वाले लैंड क्रूजर पे और उनके ये सेम वो रईस का निसान पेट्रोल है MQ160, दैट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट निसान पेट्रोल ग्लोबली फॉर द रिकॉर्ड, जो MQ160 है, उसके ऊपर भी ऐसी कोई हाल किया हुआ था। मत करो यार ऐसा, तब अभी लेट इंजीनियर अपने आ जाए तो फिर घुसते हैं और फिर उसके बाद होगा हल, बेयरिंग आ जाए फिर फाद भी लगेंगे। टारगेट यही है कि आज हम इसका ट्रांसमिशन फिट करें क्योंकि वी आर ऑन शॉर्ट वारंटी फ्रॉम द सप्लायर ऑन दिस ट्रांसमिशन। ये फिट करके चला फिर आके हमारी कवरेज अलग जाएगी क्लाइंट को, बट वी ऑल्सो यू नो नीड कवरेज, तो हमारी ये बैक एंड कवरेज है, अब हम उस पर भी टाइट हो गए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और आज हमारा लास्ट वर्किंग डे बिफोर वी क्लोज डाउन फॉर ईद, तो टारगेट्स बहुत टाइट हैं, इसको निकालना है सूरत, इसको भी निकालना है, डैशबोर्ड वाले LJ72 को भी निकालना है जो अंदर ग्रीन खैबर वर्क खड़ा है। ग्रीन खैबर निकलेगा तो नहीं, उसको तो अभी टाइम बहुत सारा लगेगा, लेकिन ग्रीन खैबर के को भी हमें इंजन स्टार्ट पोजिशन के ऊपर लेकर आना है और अपने व्हील्स से ड्रिवन, ताकि हम, क्योंकि जब भी ऐसी छुट्टियाँ होती हैं इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता कि काम फॉर अस स्टॉप। अब ये ईद की छुट्टियाँ जो हैं, सर्विसेज आर डाउन, टीम गेट्स एन ऑफ, बट द एडमिन टीम स्टिल हैज टू स्टे एंगेज राइट अप टिल ईद, क्योंकि हमें कुछ वर्कशॉप मेंटेनेंस करानी है, चीज़ें करानी है, वरना अदरवाइज टाइम ही नहीं होता, उसकी भी प्लानिंग करनी है। इट्स गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक डे टुडे। अच्छा, ऑन आवर SJ410 रियर पैनल पूरा फ्लोर का चेंज हो गया, वो व्हील वेल भी इसका रेडी हो गया। अच्छा, हमें ये व्हील वेल्स हम पहले नहीं कर रहे थे ओरिजिनली चेंज, लेकिन ये व्हील वेल्स करने इसलिए पड़े क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो तो वो वाला पिलर ऑलमोस्ट 1.25 इंच के करीब करीब ऊपर आया है, अभी वहाँ पे पीसिंग अलग होनी है, वो अभी उस्ताद करेंगे। और ये वाले व्हील वेल्स ये अब उस्ताद ने फाइनलाइज कर दिए हैं, बॉडी अपने माउंट्स पे आ जाएगी अभी नीचे से इंशाल्लाह ताला, फिर ये वाली पीसिंग्स हैं। अब हम इधर काम ठहरा के पहले हम मैकेनिकल काम की तरफ मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला पोस्ट ईद, समझो ये हमें। अच्छा, हमें, मुझे एक DM आया कि एक चेकर्ड प्लेट तो आपके इस प्लेट से बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो क्यों निकाल दी? चेकर्ड प्लेट निकालना ज़रूरी है, चेकर्ड प्लेट का जो वेट है इज़ अ लॉट ऑफ वेट, इतना आपको गाड़ी को एक सर्टन स्ट्रेंथ के अंदर तैयार करना है ना, तो यू हैव टू मैच स्ट्रेंथ विद एग्जिस्टिंग बॉडी, अगर आपने उसे नहीं मैच की बिल्कुल है। लेकिन एक बात, हाँ, चेकर्ड प्लेट बिल्कुल मजबूत भी है, लेकिन एक बात और भी याद रखें, ड्यू टू इट्स क्रिएशन इट्स वेरी चीप और ये जनरली यूज मिल जाती है, इसके ऊपर किसी किस्म की मोल्डिंग्स नहीं हो सकती, किसी किस्म का ड्रेन चैनल सेटअप नहीं हो सकता, आप किसी किस्म का फ्लो ड्रेन मैकेनिज्म उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पे हुई भी हुआ करें। खैर, ऑलवेज याद रखो, या तो भाई प्रोजेक्ट करते हुए सेल्फ लर्निंग करो, एजुकेट योर सेल्फ, बहुत कंटेंट अवेलेबल है अब तो सोशल चैनल्स पे, उसको देखो, रीड अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड, वरना फिर ट्रस्ट इन एक्सपर्ट, वरना यही वो चंद एक वजूहत है जिसकी वजह से ना ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई है, बिकॉज देर आर नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। याद रखो, प्रोजेक्ट खोलना इज़ अ पीस ऑफ केक, कोई भी खोल लेता है, कोई मसला नहीं है, प्रोजेक्ट को एंड तक पहुँचाना इज द चैलेंज, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, इट टेक्स ब्लड एंड स्वेट पूरी तरह से, ट्रस्ट योर एक्सपर्ट एंड कीप वॉचिंग बैड कस्टमर्स।
हैं।